हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज है संडे, हैप्पी संडे। और सुबह उठ के मैं झाड़ू पोछा करके नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट कर ली हूँ। ब्रेकफास्ट में मैंने रोटी सब्जी बनाई थी और अभी लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। लंच में मैं बिरयानी बना रही हूँ आज। तो हम बंगाली है, बंगाली के घर में नॉनवेज ना बने संडे को तो संडे संडे नहीं लगता है। बेसिकली हम लोग मटन प्रेफर करते हैं, मटन बहुत पसंद करते हैं सब लोग। बट बाहर यहाँ पे हम लोग नहीं खाते हैं, घर जाते हैं तब खाते हैं। तो यहाँ पे चिकन ही खाते हैं। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन बिरयानी। तो यहाँ पे मेरा चावल बन रहा है और यहाँ पे मैंने सारा कुछ प्रिपेयर करके रख दिया है। चिकन मैरिनेट करके रख दिया है, ये सब काट के धो के रख दिया है। यहाँ पे मैं रायता बना के रखी हूँ। यहाँ पे मैंने बेरिस्ता बना के रख दिया है। बिरयानी मसाले के लिए सनराइज का बिरयानी मसाला यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो घर में भी मसाला बना सकती हो। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ रेडी करके रख दिया है। यहाँ पे है चावल, चावल को मैंने घी और बिरयानी मसाला लगा के रख दिया है पूरे चावल को। और यहाँ पे है बिरयानी के लिए चिकन और इधर बेरिस्ता। ये थोड़ा चिकन मैंने निकाल के रख दिया है क्योंकि हमारे घर ऐसे सूखा चिकन बहुत पसंद करते हैं। चिकन कौशा, मतलब कि बंगाली में बोलते हैं चिकन कौशा। हम चिकन बनाने के टाइम ऐसे उठा के रख देते हैं फिर खाते हैं। और यहाँ पे दूध फूड कलर है। तो चलिए मैं इसको लेयर बाय लेयर सजा देती हूँ। यहाँ पे मैंने केवड़ा वाटर, रोज वाटर और मीठा इतर यूज की हूँ। इसको रैप कर दूंगी। और इसे ढक्कन को लगा दूंगी। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और इसको मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए और फ्लेम को एकदम स्लो कर दूंगी। तो हम खा रहे हैं यहाँ पे कौशा चिकन। हमारे घर में चिकन बनता है तो सबसे पहले हस्बैंड बोलते हैं कि कौशा चिकन खाना है। तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। कितना डिलीशियस लग रहा है देखिए। हस्बैंड खाना भी स्टार्ट कर दिया है।
कैसा बना है? मस्त। तो चलिए खाना खा लेते हैं। लंच हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बिरयानी बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। तो मुझे थोड़ा जाना है बाहर मूवी देखने, तो चलिए मैं रेडी हो लेती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। ओके, तो वी आर रेडी। तो चलिए हमारे साथ और दिखा देती हूँ आज सबने क्या पहना है। क्या है ऋषिका? आ जाओ और हस्बैंड आज बाल बाल काट के पूरा एकदम हैंडसम बन गए हैं। और प्रियान ने बैग टांगा है, एक ऋषिका ने एक बैग टांगा है, इसलिए इसने भी एक बैग टांगा है। तो चलिए चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। बाय। तो हम जा रहे हैं पुष्पा मूवी देखने। बहुत जनों से सुने हैं कि बहुत अच्छी पिक्चर है, तो बहुत दिन से सोच भी रहे थे कि चलेंगे, लेकिन जम्मू में सैटरडे संडे लॉकडाउन था तो हस्बैंड को संडे को ही टाइम मिलता है तो जा नहीं पा रहे थे। तो आज मौका मिला है तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा मूवी है। और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रखा है, पता नहीं क्यों ऐसा है। हर दो दिन में ऐसा होता है, एक दिन अच्छे से धूप निकलेगा तो दूसरे ही दिन क्लाउडी हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, मौसम को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट तो चलिए चलते हैं। वो वाला जो वो वाला गजनिया की नाम तो बरो कलंदुला बोलते हैं। की बोलो तुमरा बरो कलंदुला वो जो वाला जो वो जो वाला ये वाला। अच्छा जी, पानी हफ्ते में दो बार लिफाफा से निकाल के जमीन में लगा देना। गमले में डालेंगे तो लिफाफा। तो रास्ते में एक नर्सरी दिखा था तो हमने कुछ पौधे ले लिए हैं, बहुत ही प्यारे पौधे हैं, मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। मूवी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। जिसको एक्शन मूवी अच्छा लगता है उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फुल एक्शन वाला मूवी है ये। तो जाने के टाइम मुझे एक नर्सरी दिखी थी तो मैं कुछ प्लांट्स लेके आई हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत ही सुंदर प्लांट्स है। तो हस्बैंड अभी सब सेट कर रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए प्यारे प्यारे प्लांट्स को यही लेके आई हूँ आज। तो गमले हैं मेरे पास, ये मुझे पॉलीथिन में नहीं दिया था येलो वाला, तो हस्बैंड ने आके तुरंत इस टब में लगा दिया है। और इन लोगों को मैं कल लगाऊंगी क्योंकि रात बहुत हो गया, 10 बज गए हैं। कितने सुंदर सुंदर है ना, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इस क्वार्टर में ना बैल्कनी नहीं है, नहीं तो मैं पहले ही लाती, तो अभी लेके आई हूँ। बच्चे भी बहुत खुश हो गए हैं प्लांट्स को देख के। ऋषिका ज्यादातर, ऋषिका कैसे लगा बाबा प्लांट्स? बहुत अच्छा है ना। कौन सा अच्छा लग रहा है ज्यादा? ये येलो वाला। हाँ, इस पर एक छोटा सा ये होगा, इसमें भी उगेगा। हाँ, लेकिन मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, ये और ये वाइट एंड पर्पल वाला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा है। तो कल इसको लगा देंगे हस्बैंड। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बैल्कनी होता तो और ज्यादा अच्छा लगता, क्या करें, नहीं है, बाहर ही रखूंगी इसको। और हस्बैंड यहाँ पे देख रहे हैं सारेगामापा फाइनल हो रहा है शायद आज। तो आपको आज भी मूवी कैसी लगी बताओ? ठीक ठाक ही है, उतना खास नहीं है। अच्छा, मुझे भी उतना मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा एक्शन था बस और कुछ नहीं। तो ओके था, मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक था, अच्छा था। तो चलिए डिनर कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं इस ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड नई आई हूँ चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बाय कर दो ज़रा बच्चे। और आज पूरा रूम वो हो गया है, मिस हो गया है, क्योंकि आज संडे था तो
सब कपड़े धुला है, तो ये फोल्ड करके रख दूंगी। तो चलिए बाय।